Looking for the best preschool to nurture your child's potential? So your search ends here. Pudha Jumbo Kids is in Bhiwandi now. Having top-notch UK preschool curriculum with a focus on mental development, physical growth, academic excellence, and fostering a love for learning, Pudha Jumbo Kids provides the ideal environment for your child to explore their childhood. Give your child the best start in their educational journey with Pudha Jumbo Kids. At Pushpa Kunj Bangla, near Jayashree Apartment, Anjur Fata Vidya Ashram, Bhiwandi. हर साल की तरह इस साल भी मुंबई की KM हॉस्पिटल के सहयोग से भिवंडी के BN कॉलेज में लगाया गया ब्लड डोनेशन कैंप, जहां स्टूडेंट को ब्लड डोनेट करने के फायदे बताकर उन्हें इनकरेज किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। BN कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक वाह का कहना है कि हर साल BN कॉलेज से 100 से ज्यादा यूनिट ब्लड डोनेट किए जाते हैं। भिवंडी के ताड़ाली में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आई 10 बाइक और 3 टेम्पो। भिवंडी के कामतगर से आगे ताड़ाली ठाकरे पाड़ा में सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक रूम में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग प्लास्टिक के फैक्ट्री में लगी। आग इतनी भीषण थी कि दमकल विभाग की टीम को आग पर काबू पाने के लिए 3 घंटे लग गए। वैलेंटाइंस डे के दिन भिवंडी में जरिया मुस्लिम मैरिज ब्यूरो ने रखा सेमिनार। जरिया मुस्लिम मैरिज ब्यूरो में लोग अपने बच्चों की शादी के लिए फ्री में रजिस्टर करवा सकते हैं। जरिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने 14 फरवरी को भिवंडी के खाड़ीपार में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, जहां 200 से ज्यादा लोगों ने शादी के लिए रजिस्टर करवाया। भिवंडी के राजीव गांधी फ्लाईओवर पर ट्रक के टकराने से फिर गिरा बैरिकेड। भिवंडी कल्याण नगर राजीव गांधी फ्लाईओवर पर लगा बैरिकेड एक बार फिर टूट गया, जिसे बनाने के लिए भेजा गया और टेम्परेरी दूसरा बैरिकेड लगाया गया था, लेकिन कल रात एक ट्रक के टकराने से वो बैरिकेड भी टूट गया। वही महानगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुँच कर बैरिकेड को हटाया और पीछे लगी ट्रैफिक को क्लियर किया। थाने क्राइम ब्रांच ने भारी मात्रा में गुटखा टबैको की तस्करी करने वाले 3 लोगों को किया गिरफ्तार। खबर मिलने पर थाने रूरल ऑफिस क्राइम ब्रांच ने 3 कंटेनर को पकड़ा, जिसमें गुटखा टबैको छुपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2,95,00,000 रुपए का माल किया जब्त। वैलेंटाइंस डे पर पति ने काटी पत्नी की गर्दन, फिर कटा सिर लेकर पहुंचा चाय की दुकान पर। मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के पताशपुर में एक फेरी वाला गुचेत नामक युवक के अपनी पत्नी के साथ परेशानी भरा रिश्ता चल रहा था, जिसे परेशान होकर पति ने अपनी पत्नी की गर्दन काट दी और उसका कटा हुआ सिर लेकर इलाके में घूम रहा था। स्थानिकों ने पुलिस को बताया तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार जब्त किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। असली NCP अजीत पवार की, फैसला सुनाया स्पीकर राहुल नार्वेकर ने। शिवसेना पार्टी की तरह NCP के भी 2 गुट बन गए थे और दोनों ही गुटों ने पार्टी के नाम और निशानी पर दावा किया था और एक दूसरे के MLA के डिस्क्वालिफिकेशन की मांग भी की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बताया कि अजीत पवार गुट के पास MLA और लीडर की संख्या ज्यादा है, जिसकी वजह से असली NCP अजीत पवार की है। साथ ही बताया कि दोनों ही गुट के MLA डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। दिल्ली में आज भी जारी रहा किसान आंदोलन। किसानों ने सरकार के खिलाफ कई मांगों को लेकर एक बार फिर दिल्ली चलो प्रोटेस्ट शुरू किया। वहीं किसानों को सरकार द्वारा रोके जाने के विरोध में किसानों ने रेल की पटरियों पर बैठकर आज दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक ट्रेन का चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते कई ट्रेनों पर असर पड़ा। सिगरेट नहीं दिलाई तो कर दी युवक की हत्या। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई, जिसका शव यमुना कैनल में मिला। पुलिस ने मामले की जांच कर बताया कि युवक की पहचान फाफुन निवासी मोइनुद्दीन के रूप में हुई है, जो कि अपने मामा के घर रह रहा था। साथ ही हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम विनय बाबू, मनीष सिंह और एक नाबालिग है। आज सेंसेक्स 227 अंकों की बढ़त के साथ 72,050 पर हुआ बंद। वही निफ्टी 70 अंकों की बढ़त के साथ 21,910 पर हुआ बंद। गोल्ड 61,590 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 71,056 और क्रूड ऑयल 6,490 पे ट्रेड करते हुए।